चौथी बात, आप हत्या के ऊपर कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है और एनकाउंटर पे आप सवाल कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का आपका व्यवहार है? आप क्या देश की जनता को, राज्य की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके इसी बर्ताव के कारण आप जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हो। अरे पुलिस की गोली में तो घायल हुआ, हत्या कहाँ हुई? जहाँ हत्या हुई उसके बारे में एक शब्द आलोचना का नहीं किया जा रहा है, न उसकी निंदा की जा रही है। चट्टान की तरह हत्यारों के बचाव में लोग खड़े हुए हैं। जब आएगा तब होगा, जब प्राथमिकताओं में आएगा। रोहन गुप्ता जी सही जवाब दीजिए। दोस्तों, राम गोपाल मिश्रा उत्तर प्रदेश शोभा यात्रा के दौरान एक खास समुदाय के परिवार द्वारा उसकी निर्ममता से, बर्बरता से हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है हत्या करने से पहले उसका नाखून उखाड़ा गया, उसको करंट दिया गया, उसका गला रेत दिया गया। अब इस पर यूपी पुलिस द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान दो मुस्लिम युवक के पैरों पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि वह युवक पुलिस पर ही हमला कर रहे थे। इसी पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं, कांग्रेस के चमचा सैयद जवाद हैं और समाजवादी पार्टी के अनपढ़ प्रवक्ता हरा कुर्ता कहे जाने वाले अनुराग भदौरिया हैं। पूरा विपक्ष जो अभी तक राम गोपाल मिश्रा के हत्या के लिए कुछ भी नहीं बोले हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, किसी ने अभी तक एक भी बयान उसका नज़र नहीं आया है। लेकिन जैसे ही दो मुस्लिम युवक के पैरों पर गोली लगी, उसके बाद पूरा विपक्ष बौखला गया है। उनका कहना है कि उनके पैरों पर गोली चलाई गई, उसको सुरक्षित क्यों नहीं पकड़ा गया। इस तरह से यह दोगलापन आपको डिबेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। सुचिता जी, चीज प्लीज बोलिए। पहली बात अभी बात कर रहे थे जंगल राज की, आप याद कर लीजिए इनका शासन समाजवादी पार्टी का जो प्रकार का जंगल राज था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सिर्फ माफिया का राज था। उनको कौन से मुझसे अधिकार है जंगल राज की बात कर। दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति ने गलत किया, अगर झंडा हटाया, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति ने क्या गलत कर रही थी, उसकी सजा कोई उसको मौत करके दे देगा, उसकी हत्या करके हो जाएगी, ये किसने किसी को राइट दे दिया। तीसरी बात, उनके धर्म गुरु कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वो अगर ये कहेंगे कि और क्या मिलेगा, मतलब आप तो हत्या को उकसा रहे हो। चौथी बात, आप हत्या के ऊपर कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है और एनकाउंटर पे आप सवाल कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का आपका व्यवहार है? आप क्या देश की जनता को, राज्य की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके इसी बर्ताव के कारण आप जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हो। और ये पीडब्ल्यूडी का एक्शन है, अगर इलीगल पीडब्ल्यूडी का अधिकार कहां से आप वो आ गए? आप बात कर रहे हैं उनको लगता है की बातें तो सरकार अपना काम करेगी। आपका जंगल और फिर देश की जनता, यूपी की जनता को जवाब। वैलिड पॉइंट रोहन गुप्ता बोल रहे हैं। सुनिए अनुराग जी, वो कह रहे हैं जब हत्या हो गई राम गोपाल मिश्रा की, तो उस हत्या पर आपने ना तो कोई बयान दिया, ना आपने कहा यह हत्या गलत है और जिन्होंने हत्या की उन्हें सलाखों तक पहुंचाइए। लेकिन जब एनकाउंटर हुआ, वो भी पैर में गोली लगी, तो उस एनकाउंटर पर हत्या, एनकाउंटर, ये सब चिल्लाने लग गए। आप हथियारों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। अनुराग जी, अनुराग जी, डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से और उनकी नाकारापन की वजह से, गैर जिम्मेदारा की वजह से हमारे बीच में आज राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। अगर अगर पुलिस चौकन्नी होती और मुस्तैद होती, तो जब जुलूस निकल रहा था उसी समय उस घर को पुलिस वाले घेर लेते और आरोपी उसी समय अरेस्ट हो जाते और हमारे राम गोपाल मिश्रा जी हमारे आपके बीच में होते, जिसके मतलब पुलिस वहां थी नहीं, मौजूद थी नहीं। अगर पुलिस थी तो पुलिस घर क्या रही थी? फिर वो ऊपर चढ़ गया तो पुलिस ने क्यों नहीं उस घर में घुस कर घर के लोगों को पकड़ा और उसको पकड़ के नीचे उतारा? इसके मतलब पुलिस उदासीन होकर आंख बंद करके सो गई थी क्या? डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए, एक स्टैंड लीजिए।
निश्चित गिरेगी। और मैं अनुराग जी के परामर्श देना चाहूंगा, 2014 के मुजफ्फर नगर दंगों को याद कर लें, जितना विभत्स भयानक दंगा हुआ था, क्या उसमें इसकी 1/10 कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपने कमीशन बैठाया, कमीशन की एक संस्तुति न मानने योग्य थी, न उस पर कोई कार्रवाई करना, उसकी बात करें। हमारे राजनीतिक मित्र भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जो ऑब्जर्वेशन उसको कहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर चल सकता है, उसको कोट कर ले जरा, भली भांति अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी, तो ज्यादा अच्छा डिबेट होगा। तीसरी चीज, हत्या हत्या हत्या, अरे पुलिस की गोली में तो घायल हुआ, हत्या कहाँ हुई? जहां हत्या हुई उसके बारे में एक शब्द आलोचना का नहीं किया जा रहा है, न उसकी निंदा की जा रही है। चट्टान की तरह हत्यारों के बचाव में लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, डीजीपी सर कह रहे हैं अनुराग जी, जिसकी हत्या हुई उसके बारे में नहीं है, जो हत्या जिसको एनकाउंटर में गोली लगी उसकी हत्या कैसे? मैंने तो बार बार बोला और बार बार बोला हूँ, सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की गलती की वजह से हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा जी नहीं है। दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, अचानक जब कोई घटना हो जाती है तभी सरकार को याद आता है अवसरवादिता नहीं करेगी, सरकार के अधिकारी क्या करते रहते हैं, लोकप्रियता नहीं करेगी। हालात होंगे, सुनिए रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाब जी, रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जहां पर हत्या हो गई, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उस हत्या के पीछे जो हत्यारे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वहां पर भी पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की जवाबदेही है, उससे कोई बच भी नहीं सकता है सैयद जवाब, लेकिन पुलिस के जवाबदेही के साथ उन हत्यारों पर बोलने से क्यों बचते हैं राजनीतिक दल भाई? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के हैं। अभी रोहन गुप्ता जी ने कहा वोट बैंक दिखता है, वोट बैंक दिख रहा है इसीलिए नहीं बोल रहे। सुचारता जी, नहीं नहीं, ये मैं तो कह रहा हूँ ये दंगा इसीलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। हाँ। अभी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मैं कह रहा हूँ चलिए, और अगर ये बात बताइए अगर कोई हत्यारा है मतलब सियासी दंगा है, कोर्ट करेगा या सरकार अपने आप ही सुनिश्चित कर लेगी कि ये हत्यारा है? ये सियासी दंगा है, बताइए मुझे। दंगा हो जाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। सरकार के देख रेख में, अगर देखिए जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव रिस्पॉन्सिबल थे, आज अगर बहराइच में दंगा हो रहा है तो कौन फिर जिम्मेदार होगा? यही मैंने पूछा, आप बताइए ना। नहीं, यही, और 2013 में जब दंगे का कानून आ रहा था, इसी लॉजिक से मैंने सवाल पूछा। सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है बोलिए, पहले बोलिए। हाँ तो मानिए मानिए, और नैतिकता मैं कह रहा हूँ, जब 2013 के अंदर दंगे के लिए कानून हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही थी, लेकर के आई आप थूक जिहाद पे तो कानून बना रहे हैं, आप जो है ठेला लगाने पर फल और सब्जी वालों पे कानून लेकर के आ रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। आप दंगे के ऊपर कानून के अंदर संशोधन करिए कि अगर कहीं पर भी दंगा होता है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मैं तो एक चीज कह रही हूँ, डीएम आपने कहा, अनुराग जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सियासी, जहां दंगा हो रहा है वहां पर सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो अभी सैयद जवाब जो कह रहे हैं अनुराग जी कि जब अगर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी सरकार भी निकम्मी थी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, अगर आप हाँ कहते हैं तो यहाँ भी हाँ है, अगर वहां ना है तो यहाँ भी ना है। भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयारी नहीं होती है। अच्छा। अगर आपने वहाँ पे ठीक से व्यवस्थाएं की होती और तो आज तो नौबत नहीं आती ना, ये नौबत आ रही क्योंकि सरकार फेलियर है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तो आपकी सरकार नाकाम हुई है कानून व्यवस्था बनाए रखने में, तो आप मानोगे? एक बात। दूसरी बात, आपके अधिकारी क्या करते रहते हैं, फिर अचानक इलीगल प्रॉपर्टी दिखाई देने लग जाती है तो लोकल अथॉरिटी इन्होंने मतलब करप्शन में लगा। मेरे को लगता है मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा शो के शुरुआत में दिखाया जिसमें मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहा था। मुझे लगता है जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि जहां जो दिखे उसे काट दो, उसे मार दो, उन पर बोलने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो ये कहे मार दो काट दो, वही हिंसा फैलाते हैं, वही इस तरह का द्वंद फैलाते हैं, और वो उनकी समाज को जरूरत नहीं है इस तरह के विवाद की। इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत जुड़े दोस्तों, विपक्ष
मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हिंदू धर्म को अपमान करना हो या फिर हिंदू धर्म के पक्ष में कुछ बोलना हो, हिंदू धर्म के प्रति कुछ भी अन्याय होना हो, उसके प्रति कुछ भी ना बोलना हो, लेकिन जब पुलिस नियम के हिसाब से कार्रवाई करती है जिसमें आरोपी मुस्लिम पाया जाता है, उस पर विपक्ष पूरी तरह से एक साथ होकर बौखला जाता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।